चलिए आज हम बात करते हैं संविधान सभा की जो बैठक हैं उन बैठकों के बारे में। इससे पिछले वाली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हम बात कर चुके हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। अब आज बात करें कि वो जो संविधान सभा का गठन किया गया था उस संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई और उन बैठकों में किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, किस प्रकार भारतीय संविधान बनाया गया, वो सारी बातें हमें करनी है। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी, संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी जिनमें से 11 बैठकें संविधान निर्माण से संबंधित थी। ध्यान रखेंगे आपकी कुल बैठक जो हुई है उन कुल बैठकों की संख्या है 12 और 12 बैठकों में से 11 बैठकें संविधान निर्माण से संबंधित हैं। यानी एक ऐसी बैठक है जिसमें संविधान निर्माण को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, एक ऐसी बैठक है जिसमें संविधान का निर्माण नहीं किया गया और वो जो बैठक है वो बैठक है पहली बैठक। यानी संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक थी उस पहली बैठक में संविधान निर्माण को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि पहली बैठक में आपको कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जो चुनाव करवाए गए संविधान सभा के उस चुनाव में एक पार्टी है कांग्रेस और एक है मुस्लिम लीग। उसमें आपको बताया था कि कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 208 सीट और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी 73 सीटें। यानी जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण पहली बैठक में संविधान निर्माण को लेकर कोई कार्य नहीं हो पाया। इसलिए हम कहते हैं कि कुल 12 बैठक हुई हैं जिनमें से 11 बैठक संविधान निर्माण से संबंधित हैं। 11 बैठकों में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अब हम बात करें एक एक बैठक की, तो सभी बैठकों की तो मैं बात नहीं करूंगा लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक है उन बैठकों की बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहली बैठक हुई, वो सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अभी आपको पता है कि अगर कोई भी बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, उस बैठक का संचालन करने के लिए हमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो यदि मैं बात करूं कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ये संविधान सभा की पहली बैठक है, इस बैठक में अभी तक किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उस संविधान सभा के सदस्यों में सबसे बुजुर्ग मेंबर, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो डॉक्टर सिन्हा सबसे बुजुर्ग मेंबर थे, इनको पहली बैठक की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इनको पहली बैठक की अध्यक्षता करने का जिम्मा सौंपा गया। तो हम डॉक्टर सिन्हा को कहते हैं संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, इन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नहीं थे बल्कि टेम्परेरी रूप में इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसलिए इनको कहा जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। चाहे आप संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कहें चाहे आप संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष करें, आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा ने संविधान सभा की अस्थायी रूप से प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, इसलिए इनको प्रथम अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। अब इसी के साथ साथ मैं बात करूं कि जो संविधान सभा है इस संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, ये तो हमने बात की अभी तक प्रथम अध्यक्ष की, अब मैं बात कर रहा हूं कि संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे। तो आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता थे डॉक्टर एस पी राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता थे। यहां तक की दो बातें कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, इस पहली बैठक में अध्यक्षता की है सबसे बुजुर्ग मेंबर डॉक्टर सिन्हा ने, जिन्हें हम संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, और संविधान सभा के जो प्रथम प्रवक्ता रहे वो संविधान सभा के प्रथम प्रवक्ता रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसके बाद हम बात करूं कि संविधान सभा की अगली बैठक, वो संविधान सभा की अगली बैठक है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, और जो पहली बैठक थी उस पहली बैठक की तो अस्थायी रूप से अध्यक्षता की गई थी लेकिन अब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया था, तीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। वो तीन पदाधिकारी कौन कौन से, देखिए एक को बनाया गया स्थायी अध्यक्ष,
एक को बनाया गया संविधान सभा का उपाध्यक्ष और नियुक्त किया गया संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तीनों की नियुक्ति की गई। यदि हम बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें एच सी मुखर्जी, जिनका पूरा नाम आता है हरीश चंद्र मुखर्जी, एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और संवैधानिक सलाहकार की यदि हम बात करें तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया संविधान सभा का, बी एन राव को। हरीश चंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इसके बाद तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया गया 26 नवंबर 1949 को। आप ध्यान रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 8 सूत्रीय था। यानी अब हम शॉर्ट में बात करें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। ये संविधान सभा की भी तीन बैठक, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। इसके बाद की, इसके आगे की यदि हम बात करें तो देखिए इसके आगे क्या हुआ कि जो अपना संविधान है उस संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, उस संविधान के रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। आपने कभी नाम सुना होगा, समिति का नाम था प्रारूप समिति। आगे चलकर हम चर्चा करें प्रारूप समिति की, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति में 1+6 यानी कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित बात कर रहा हूं मैं, अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, एक अध्यक्ष हैं और 6 सदस्यों से कुल मिलाकर 7 मेंबर थे इसमें। यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अलावा यदि हम बात करें सदस्यों की तो 6 के 6 सदस्यों के नाम तो आपको याद नहीं करने क्योंकि उनसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, थोड़ी सी बात याद रखें कि ये जो प्रारूप समिति के 6 मेंबर हैं, इन 6 सदस्यों में से एक प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिनका नाम था डी पी खेतान, और एक दूसरे मेंबर हैं जिनका नाम है बी एल मित्तर। डी पी खेतान और बी एल मित्तर, घटना क्या थी कि डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो डी पी खेतान की मृत्यु पर लिया गया था टी टी कृष्णम आचार्य को,
और बीएल मित्र ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो इनके स्थान पर लिया गया था एन माधव राय को। यह प्रारूप समिति के बारे में याद रखेंगे कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति की जिम्मेदारी है संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान की रूपरेखा तैयार करना। इस प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 7। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य डीपी खेतान। डीपी खेतान के जब पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर लाया गया टीटी कृष्णमाचारी को, और जब बीएल मित्र ने त्याग पत्र दिया तो इनके स्थान पर लाया गया एन माधव राय को। ये प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति ने क्या किया कि संविधान का प्रारूप तैयार किया, और संविधान का प्रारूप तैयार करके 21 फरवरी 1948 को इन्होंने ये प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। 21 फरवरी 1948 को इन्होंने ये प्रारूप संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, और संविधान सभा को 8 माह का समय दे दिया गया इस पर विचार विमर्श करने के लिए। 8 माह का समय दिया गया। जैसे ही 8 माह पूरे हुए, आप देख रहे हैं कि फरवरी में प्रस्तुत किया गया है, जैसे ही 8 माह पूरे हुए यानी अक्टूबर में, अक्टूबर 1948 की मैं बात कर रहा हूं, 21 फरवरी 1948 को यह प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा को 8 माह का समय दिया गया। इन 8 महीनों में संविधान सभा ने क्या किया कि इसमें 2000 संशोधन किए, यानी हम कह सकते हैं कि संविधान लागू होने से पहले इसमें 2000 बार संशोधन किया जा चुका था। संविधान सभा ने इसमें संशोधन किए, और संशोधन करके 26 अक्टूबर 1948 को अंतिम प्रारूप, दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया गया 26 अक्टूबर 1948 को। अंतिम प्रारूप था ये, दूसरा प्रारूप 26 अक्टूबर 1948 को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। और इस प्रारूप पर आगे चलकर संविधान सभा के 3 वाचन हुए। संविधान सभा के 3 वाचन में यदि मैं बात करूं, एक प्रथम वाचन, एक द्वितीय वाचन और एक तृतीय वाचन। प्रथम वाचन इस पर शुरू हुआ था 4 नवंबर 1948 से, जो कि चला 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला। अब इसके बाद देखो, नवंबर 1948 में दूसरा वाचन शुरू हुआ, जो कि चला अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। और इसके बाद तीसरा वाचन शुरू हुआ, जो कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही तृतीय वाचन समाप्त हुआ, मैं बात कर रहा हूं 26 नवंबर की, 26 नवंबर 1949 को जैसे ही तृतीय वाचन समाप्त हुआ, तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। अब 284 सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी मान लिया गया कि इस दिन संविधान पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित कर दिया गया 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी, वो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15, और 15 में से ये जो 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए हैं, इनमें 8 महिला सदस्य भी शामिल थी। मेरे कहने का मतलब है कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें से 8 महिला सदस्यों ने संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। अब इसे लागू करना शेष है, संविधान को लागू करना शेष है। इससे पहले आपको, इससे पीछे वाली जो क्लास थी, उस क्लास में आपको एक बात बताई थी कि हमने पहले से ये डिसाइड किया हुआ था कि हमें संविधान लागू ही 26 जनवरी के दिन करना है, चाहे किसी भी वर्ष में लागू करना पड़े। यानी संविधान लागू करने की जो तिथि घोषित की गई थी वो 26 जनवरी घोषित की गई थी। और आप देख रहे हैं अपना संविधान पारित हुआ है 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। अब इसके बाद 26 जनवरी को हमें संविधान लागू करना है, संविधान लागू करना है। लेकिन यह आपको पता है कि अपने भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिन 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, इसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए।
पूरा संविधान लागू नहीं हुआ बल्कि संविधान का एक अंश, संविधान का एक भाग लागू हुआ था, एक छोटा सा अंश लागू हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर पारित हो चुका है। अब हमें संविधान लागू करना है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी से ठीक दो दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डेट है 24 जनवरी 1950, इसी डेट में वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत और भारत भाग्य विधाता को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। उस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता लिखा है उसे भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 को। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक है और इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। इसके बाद आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को संविधान के जो शेष बचे हुए अनुच्छेद थे, शेष अनुच्छेद लागू किए गए। आप देख रहे हैं कि 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू कर दिए गए, बाकी जो शेष अनुच्छेद थे उन शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू करके संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू करके भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और पूर्ण रूप से लागू करके भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ये बात हमने की 1895 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। 1895 से आपने पढ़ना शुरू किया था जहाँ से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण का पहला प्रयास किया। आपको बताया था 1895 से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक को ले जाकर समाप्त करेंगे 26 जनवरी 1950, जो कि कंप्लीट होता है। हमारा भारत का संविधान किन किन घटनाओं से गुजरते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है वो सारी बातें हमने कर ली हैं। अब इसके बाद में लास्ट में आपको संविधान से संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं कि देखिए, एक तो संविधान निर्माण में लगा हुआ कुल समय कितना लगा, जो कि आपकी जानकारी में होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। एक संविधान निर्माण पर कुल कितने दिन बहस की गई, तो 114 दिन तक संविधान निर्माण पर बहस की गई है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा की गई, कितने दिन बहस की गई, वो 114 दिन तक बहस की गई है। एक मैं बात करूं संविधान निर्माण का कुल खर्च, संविधान निर्माण का कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए, जिसे फिक्स में मैं कह सकता हूं 63,96,729 रुपए। ये अपने संविधान निर्माण का खर्च है जिसे हम अबाउट में ले लेते हैं 64 लाख रुपए, बाकी वैसे 63,96,729 रुपए ये संविधान निर्माण का खर्च है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में देखा गया है कि जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, जो अपने संविधान की मूल प्रति है, वो ओरिजिनल कॉपी किस प्रकार की है, वो हाथ से लिखी हुई है यानी हस्तलिखित है, वो प्रिंट की हुई है या वो टाइप की हुई है, किस प्रकार की है। तो आप याद रखेंगे कि संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो मूल प्रति है, वो हस्तलिखित है। संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है और श्याम बिहारी रायजादा का यहां पर जिक्र आता है। इसके अलावा संविधान की जो मूल प्रति है, वो मूल प्रति वर्तमान में भारत के संसद भवन में रखी गई है। जो हीलियम गैस होती है उस हीलियम में इसको संरक्षित किया गया है। मूल प्रति को वर्तमान में हीलियम गैस में संरक्षित करके भारत के संसद भवन में रखा गया है। ये आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल आप याद रख लें कि संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस की गई, इसके अलावा 63,96,729 रुपये खर्च हुए और संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित है, जिसे वर्तमान में हीलियम में संरक्षित करके भारत के संसद भवन में रखा गया है। ये था आपका पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक,
संविधान सभा का गठन एवं संविधान का निर्माण। अब इसके बाद डे बाय डे कंटिन्यू टॉपिक की बात करेंगे। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रस्तावना टॉपिक के बारे में, जो कि सबसे पहला टॉपिक है। धन्यवाद।